हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के गैर जिम्मेदाराना बयान से खासा आक्रोश व्याप्त हो गया है। भाजपा नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता कहते हैं कि इसका खामियाजा स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना कुछ नेताओं का प्रचलन बन गया है। सस्ती लोकप्रियता के चलते नेता हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाते रहते हैं। बिहार के मंत्री के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जिसको लेकर हिंदुओं में खासा गुस्सा व्याप्त है। हर उस धार्मिक व्यक्ति में गुस्सा व्याप्त है जो धर्म में आस्था रखता है। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। भाजपा गुस्से में है। भाजपा विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश कहते हैं ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है। देखिए, सपा नेता और पूर्व बसपा नेता के द्वारा रामचरितमानस पर बंदिश लगाने की उन्होंने जो अपने बयान दिया है, ये सीधे सीधे हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला बयान है। और जो चौपाई या जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो चौपाई का सही मायने में अर्थ उनको मालूम नहीं है। रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर भी खाए, और जब नाव उतराई के लिए केवट का उन्होंने जिस तरह से उन्होंने लोगों का सहयोग लिया और दिया, वे अतुलनीय हैं। भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, हिंदू समाज के सबके आराध्य हैं, और रामचरित मानस पर बंदिश लगाने की जो उनका बयान है बहुत ही निंदनीय है, और उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता MLC विजय सेवारे ने भी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। MLC विजय सवारी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले विषय मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं हैं, हिंदू हैं ही नहीं हैं। उनको तत्काल प्रभाव से मैं आपकी चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि उनको स्वामी प्रसाद मौर्य नाम नहीं लिखना चाहिए। जिस व्यक्ति को रामचरितमानस के बारे में जानकारी ना हो और उस पर टिप्पणी करना, तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य नाम क्यों रख लिया। इस विषय पे भी अगर एक्शन नहीं लेंगे अखिलेश यादव भी, तो कब लेंगे? वो तो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, वो भी सनातन धर्म के अंदर उन्होंने जन्म लिया अपना। ऐसे बयान पे एक्शन ना लेना ना, ये इंटरनली मामला है, लेकिन जनमानस के अंदर तो उनको निर्णय लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर समाजवादी पार्टी को भी असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोग समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग भी करने लगे हैं। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।